के बाद में भी उसका दिमाग नहीं चलता है, बस अभी में थोड़ा देर हो गया। तो चौथी पास वाले ने इतना दिमाग, क्योंकि किसकी देन है? भगवान विश्वकर्मा की देन है, और उसी भगवान विश्वकर्मा की देन के कारण हम उस भगवान विश्वकर्मा का मंदिर बनाना चाहते हैं, और भगवान विश्वकर्मा का अगर मंदिर बन गया तो समझो हमारा दिमाग कहां तक पहुंचेगा। ये सब आपका आशीर्वाद चाहिए, सबके सहयोग से ये मंदिर जरूर बनेगा। कि हो मन भावन मिठाई तो जरूर खाना चाहिए, अरे हो गुरु जी का आशीर्वाद तो जरूर लेना चाहिए। अगर मंदिर बनने की बात चल रही हो तो एक बार जोरदार जरूर तालियां बजाना चाहिए और दिल से सहयोग करना चाहिए कि हम हैं, हमारे अंदर जुनून है, जज्बा है, कुछ करने की चाहत है, हम समाज के लिए कुछ कर सकते हैं, शिक्षा के लिए कुछ कर सकते हैं, और एक ऐसा विश्वास रखते हैं गुरु जी के आशीर्वाद से, परम पूज्य सनातन गिरि जी के आशीर्वाद से एक भव्य और दिव्य मंदिर बनेगा, और यहाँ पर एक दूर दूर से लोग आएंगे प्रतिष्ठा महोत्सव में, ऐसा लगना चाहिए। आज से 12 महीने के बाद ये आज से प्रण लेके जाएं कि हम सहयोग तन मन और धन से सहयोग करेंगे, और 12 महीने के बाद यहाँ पर वापस इसी स्थान पर प्रतिष्ठा होगी सबके सहयोग से। अब मैं निवेदन करना चाहूं, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं आदरणीय तहसीलदार साहब श्री जवाहरलाल जी, कि आप हमारे समाज को कुछ मार्गदर्शन दें।